फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आज मैं जा रहा हूँ बागेश्वर धाम, जो मध्य प्रदेश छतरपुर के पास है। अगर दिल्ली से आपको बागेश्वर धाम जाना है तो आपको पहले छतरपुर के लिए तक की ट्रेन है, वहाँ से नियरेस्ट जो स्टेशन है बागेश्वर धाम की छतरपुर ही है एमपी में जो है। सो दिल्ली से गीता जयंती एक्सप्रेस है जो कुछ 6:20 पर यहाँ से खुल जाती है। सो अभी मैं स्टेशन पहुँच चुका हूँ, ट्रेन आने में भी टाइम है 5:30। तो फ्रेंड्स, हम लोग दिल्ली से तो समय से निकल गए थे, 6:20 पर ट्रेन निकल गई थी दिल्ली से, बट 150 किलोमीटर कवर करने के बाद हमारी ट्रेन मथुरा पहुंच गई है, आधे घंटे लेट भी है। सो ये दोनों तो आराम से पहुँच चुके हैं और थोड़ी ही देर में हम लोग एमपी के अंदर एंटर करने वाले हैं। एमपी के अंदर पहला स्टेशन पड़ता है ग्वालियर जंक्शन। सो थोड़ी देर में ग्वालियर हम पहुंच जाएंगे, मिलते हैं आपसे स्टेशन पर। तो फ्रेंड्स, अभी रात के 1 बज चुके हैं और हम लोग दिल्ली से ग्वालियर पहुंच चुके हैं, जो कि दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर है। अगर नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो अब मैं जा रहा हूँ सोने और आपको मिलेंगे सुबह छतरपुर में। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम लोग खरगापुर पहुंच चुके हैं। हमारी ट्रेन 1 घंटा 1.5 घंटा लेट भी हो गई है, अभी तक तो हमें छतरपुर पहुंच जाना चाहिए था। कोई नहीं, अभी 1 घंटे बाद छतरपुर में मिलते हैं आप सबसे। मुंबई में गायब था। सो फ्रेंड्स, हम लोग छतरपुर पहुंच चुके हैं। अब यहां से बागेश्वर धाम की दूरी 10 से 15 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन के बाहर से हमें ऑटो टेम्पू सब कुछ मिल जाता है, यहां से सीधा बागेश्वर धाम के लिए। अच्छा, बाबा जी 1 तारीख को आएंगे यहाँ पे। हाँ। अभी तो बाबा जी की चल रही है कथा पे।